देखना आप द्वितीय क्रम के अवकलज देखेंगे अपन। द्वितीय क्रम के अवकलन ये टॉपिक है। अगर क्वेश्चन y में है इसका एक बार अवकलन करते हैं तो dy बटा dx, और जब दूसरी बार अवकलन किया जाएगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। यह है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से भी दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, या फिर ऐसा देखो कि अगर क्वेश्चन y है और तुम्हें दिख रहा है कि y1 दिख जाए या y2 दिखे तो भी इसका मतलब वही है कि ये एक बार अवकलन है और ये दो बार अवकलन, या फिर ऐसा दिखे y डबल डैश तो एक डैश का मतलब एक बार अवकलन, दो डैश का मतलब दो बार अवकलन, या फिर ऐसा भी हो सकता है f ऑफ x दिखे और फिर दिख जाए f डैश x तो एक बार अवकलन है और ये दो बार अवकलन है। तो इसमें जो लास्ट लाइन है ये हमेशा दूसरी बार अवकलन वाली लाइन है और ये एक बार अवकलन और ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कैसे करना है, ठीक है। नमस्कार। देखना इसको, इस क्वेश्चन में y बराबर दे रखा है और सिद्ध करना है, तो आप ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ही करेंगे अपन। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में देखो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि ये जो दिया गया है इसको लेके चले और आंसर ये लेके आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ क्वेश्चनों में ऐसा करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उन क्वेश्चनों में क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जो जो है उनकी वैल्यू रख देंगे वहाँ से निकाल के, और उसको किसके बराबर कर देंगे, राइट हैंड साइड के बराबर कर देंगे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन मैक्सिमम क्वेश्चनों को कैसे करेंगे कि जो दिया गया है उसको लेके चलेंगे और जो आंसर है वो लेके आएंगे। तो आंसर में देखो कितनी बार अवकलन हो रहा है, दो बार, तो एक बार तो करो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन dx बराबर है साइन का अवकलन cos x, ये b cos का हो गया माइनस साइन x, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो सिद्ध करने वाले तो इनमें हमेशा समीकरण चलने देना, या तो काम आ जाएगी नहीं आएगी तो देखा जाएगा, तो भी समीकरण तो डाल ही देना। फिर दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए साइन एक्स, ये बी कॉस एक्स। देखो यहाँ से अभी समीकरण नहीं डाल रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब यहाँ से रुक के देखना है कि डायरेक्ट आंसर आ रहा है या लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी, यहाँ तक तो करना ही है क्वेश्चन हम। तो ये देखो ये जो है ये क्वेश्चन है समीकरण एक से, तो इसकी जगह समीकरण एक से मान रख सकते हो। तो मान रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बिना लेफ्ट हैंड साइड लिए। इस y को उधर भेज दो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर जीरो, यही लाना था और ये आ चुका है। तो पहला तरीका तो ये है कि ऐसे चलते रहो, यहाँ तक तो पूछना ही, इसके बाद डायरेक्ट कुछ दिख जाए तो ऐसे है और लगे कि कठिन है नहीं हो रहा है तो क्या करना है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से वैल्यू रख देंगे और बराबर में क्या है जीरो लेके आ जाते, वैसे कर लेते हैं। तो ये अपन को सोचना है कि किस तरीके से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखते हैं तो कैसे करना है। तो ये नहीं कि क्वेश्चन में जो दे रखा है डायरेक्ट अवकलन करना स्टार्ट हो गया, नहीं, आंसर भी तो देखो। आंसर में देखो साइन कोस में आंसर दे रखा है तो साइन कोस में बदल लो, पहले अवकलन नहीं करना है, अवकलन कितनी बार करना है दो बार करना है वो दिख रहा, तो साइन कोस में बदला तो इसको वन अपॉन कोस लिख सकते हो और इसको साइन बटे कोस लिख सकते हो, तो यहाँ फॉर्मूले बता देना है। फिर एलसीएम ले लिया तो ये हो गया कोस एक्स प्लस, नहीं एलसीएम लेते हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, वाई की वैल्यू आ चुकी है।
अब क्या करना है, अब अवकलन करना है। तो इसको समीकरण नंबर एक, अब इसका अवकलन किया कितनी बार करना है, दो बार करना है, लेकिन अभी हम एक ही बार करेंगे। x के सापेक्ष इसका अवकलन किया तो ये हो जाएगा dy वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट सेकेंड समझ के अवकलन करेंगे, सेकेंड वाले का स्क्वायर, सेकेंड वाले को छोड़ देंगे, अवकलन किसका करेंगे, फर्स्ट वाले का, माइनस फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, अवकलन किसका करेंगे, सेकेंड वाले का। ये तो अभी फॉर्मूला लिखा है, अवकलन अब करेंगे तो यहाँ से देखना क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉस एक्स जीरो प्लस कॉस एक्स, वन प्लस साइन एक्स, और कॉस का हो जाता है माइनस के साइन एक्स, डिवाइड में कौन है ये दिख रहा है तुम्हें, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, अब देखो कैलकुलेशन, तो कॉस इंटू कॉस ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और इस साइन को अंदर भेज दिया साइन एक्स, और प्लस साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में कौन है कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब फॉर्मूला बताएंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता, ये वन होता था टेंथ क्लास में भी देखा था, तो इन दोनों की जगह वन लिख दिया, तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स क्या आएगा, ये आएगा वन प्लस साइन एक्स डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये देखो, ये है समीकरण नंबर दो, इसका यहीं से अवकलन नहीं करना है डायरेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो कॉस स्क्वायर है इसकी जगह, क्योंकि अब एक ही बार अवकलन करना है, कोस स्क्वायर की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो अभी एक बार और अवकलन करना है, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आंसर तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता दिया क्या होता है, ये एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो देखना आप। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या बचेगा, वन प्लस साइन एक्स ऊपर है, नीचे बचेगा वन प्लस साइन एक्स, और इधर वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस से वन प्लस वाला तो कट गया, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या आया, वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स। अभी एक बार अवकलन और बाकी है, यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ से दोबारा अवकलन करो, वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी आ जाएगा, फर्स्ट अपॉन सेकेंड है। दोबारा अवकलन करने पर एक बार और अवकलन बाकी है, वो यहाँ करेंगे, तो ये इतने स्टेप इम्पोर्टेंट है। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्यों से नहीं चल रहा है, क्योंकि एकदम लास्ट चल रहा है। अब वन अपॉन एक्स समझ के अवकलन कर दिया, तो माइनस वन अपॉन जिसको एक्स बोला है उसका स्क्वायर, लेकिन गलती हो चुकी है, कहाँ पे गलती हुई है, वन माइनस साइन एक्स पे, यहाँ से गलती सुधारेंगे, माइनस एक वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, वन का जीरो साइन का होता है कॉस एक्स। अब एक स्टेप और लिख सकते हो, तो एक स्टेप और लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एक बार अवकलन करने के बाद जो कोस स्क्वायर आ रहा है उसको पहले चेंज करना लगना तो चाहिए, क्योंकि एक बार और अवकलन कर देते कोस स्क्वायर का कोस की पावर चार हो जाता, फिर ऐसा करने में दिक्कत आती, ठीक है। अब देखेंगे फिर वापस उसी टाइप का, थोड़ा सा अलग है बस ये क्वेश्चन, कि इसके अंदर x की वैल्यू जो दे रखी है a cos क्यूब थीटा, और y की वैल्यू दे रखी है a sin क्यूब थीटा। अब यहाँ से अपन से बोला है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना,
तो इन दोनों में थीटा है, तो अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, थीटा के सापेक्ष करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए। इसका अवकलन एक बार अभी मैं लिख रहा हूँ कि ऐसे करेंगे, ऐसे इस साइड वाले का डी वाई अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा का क्यूब। अब यहाँ देखेंगे ये ए, इसको थीटा क्यूब समझ के किया तो थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन प्रॉब्लम है इस कॉस थीटा का वापस करना पड़ेगा। ऐसे डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर ए इंटू थ्री साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्यूब समझ के, लेकिन थीटा नहीं है ये है साइन थीटा, तो जहाँ गलती हुई है उसको वापस सुधारना पड़ेगा। अब यहाँ से हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का होता है माइनस के साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री ए साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर तीन ये है डी एक्स अपॉन डी थीटा। ऐसे डी वाई अपॉन डी थीटा की कैलकुलेशन की तो थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का होता है कॉस थीटा, ये समीकरण नंबर चार हो जाएगी। इसके बाद क्या करते हैं वो हमें मालूम है, समीकरण चार में भाग देंगे तीन का, भाग देंगे तो ये डी वाई अपॉन डी थीटा में भाग देंगे, मतलब डी एक्स अपॉन डी थीटा का, तो ये थ्री है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, डिवाइड में आएगा माइनस थ्री है साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, थ्री ए से थ्री ए कट गया, एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस, तो यहाँ से आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर साइन बटा कॉस, क्या हो गया टेन थीटा, क्यों ये हो गया माइनस के टेन थीटा। अब ये आ चुका है, अभी तो एक बार अवकलन, हमें एक बार अवकलन नहीं करना है, कितनी बार अवकलन करना है, दो बार, इस क्वेश्चन में देख लो। तो अब दूसरी बार ये डी वाई अपॉन डी थीटा नहीं, डी वाई अपॉन डी एक्स, अब जो दूसरी बार अवकलन करना है वो किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, ये इम्पोर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में। दूसरी बार जो अवकलन करेंगे वो एक्स के सापेक्ष करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर टेन का अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसको टेन एक्स समझ के किया है, तो जहाँ गलती है ना उस गलती को सुधारेंगे, तो इस बार गलती है यहाँ पे। तो यहाँ से ये जो स्टेप आई है ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब क्या करना है, अब वापस देखेंगे, ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन, लिख सकता हूँ क्या इसको डी एक्स अपॉन डी थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास है, समीकरण तीन से इसकी वैल्यू रख सकता हूँ मैं डी एक्स अपॉन डी थीटा की, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ देखना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सेक स्क्वायर थीटा वन अपॉन में रखनी है ये, माइनस थ्री है साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड में थ्री है साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो, ये बोल रहा है इसका मान कहाँ पे पाई बाई फोर पे, अब थीटा की जगह क्या रखना है, तो एक स्टेप और है थीटा की जगह पाई बाई फोर रखना है इसमें, तब जाके जो आएगा वो आंसर होगा, तो देखना अब आगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कहाँ पे, थीटा बराबर पाई बाई फोर पे। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई फोर, थ्री है साइन पाई बाई फोर, कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर। अब पाई बाई फोर का मतलब हो गया 45। तो 45 सेक 45 का मान होता है अंडर रूट दो का स्क्वायर, थ्री है इसका होता है एक बटा अंडर रूट दो, इसका होगा एक बटा अंडर रूट दो का स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन करते रहो, तो ये तो हो गया दो, ये अंडर रूट दो भी ऊपर, इस अंडर रूट दो का दो हो जाएगा ये भी ऊपर, तो नीचे क्या बचा केवल थ्री है। तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट अ पॉइंट थीटा बराबर पाई बाई फोर पर, यह आएगा फोर अंडर रूट दो अपॉन थ्री है। ये जो है यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है देखना। अब इसको सिद्ध करना, मैंने बताया दो तरीके, वहाँ तक तो सेम है, उसके बाद देखेंगे ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो जो दिया गया उसको लिख लिया वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, समीकरण नंबर एक बोल दिया। फिर इसका अवकलन किया एक बार जब अवकलन किया तो ये हुआ डी वाई बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब रुकना, ये समीकरण दो है लेकिन यहाँ से डायरेक्ट अवकलन नहीं करना, ऐसा लाना है ना। तो देखो इसमें कहीं अंडर रूट नहीं है तो अंडर रूट हटाओ, तो यहाँ से अभी ये नहीं जल्दबाजी में दो बार अवकलन कर दिया और आंसर आया ही नहीं, ऐसा नहीं करना। एक बार अवकलन करके रुकना है, फिर क्वेश्चन को देखना है, आंसर को देखना है और आंसर के हिसाब से चलना, क्योंकि अब अवकलन तो एक ही बाकी है बस, अभी फटाफट हो जाएगा एक बार अवकलन लेकिन आंसर नहीं आएगा। दोनों पक्षों का वर्क करने पर, वर्क करोगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर बराबर वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उधर भेज दिया, क्यों? क्योंकि एक साइड तो जीरो ही और इधर केवल वन बचेगा, तो कॉन्स्टेंट का अवकलन करते जीरो आ जाएगा। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर वन। यहाँ पे आने के बाद अब अवकलन करो सेकेंड बार, दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोबारा अवकलन करोगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो देखना फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड वाले का अवकलन किया, इसका मतलब d अपॉन डी एक्स अवकलन किया डी वाई बटे डी एक्स के होल स्क्वायर का। एक बार फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ मैं, इस बार डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर छोड़ दिया और अवकलन करेंगे किसका, वन माइनस एक्स स्क्वायर का, बराबर में जीरो है, वन का अवकलन जीरो हो गया। अब या तो ये या फिर ये कि इसका एक बार अवकलन कर दिया ये, इसका वापस कर दो, दो बार अवकलन हो गया बस आंसर आएगा नहीं, फिर इस साइड में मान रखना और कैलकुलेशन करके जीरो लाना, या फिर ऐसे चलना, थोड़ा सा सोचना पड़ता बस। तो ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर समझे तो इसका कर देंगे टू डी वाई बटे डी एक्स, लेकिन गलती है जिसको x बोला है वो x नहीं है, तो गलती को वापस सुधारेंगे, इस बार अवकलन करेंगे dy वाई बटे डी एक्स का। ये हो गया dy वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर, वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का ये 2x, ये बराबर में जीरो हो गया। अब क्या करना है, ये हो गया 2 वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स। अब dy वाई बटा डी एक्स का अवकलन क्या होता है, तो सेकेंड बार अवकलन होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब कंप्लीट है, इधर क्या है, इधर हो जाएगा माइनस के टू एक्स डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर जीरो। इसमें से कॉमन आ रहा है, टू डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर में जीरो। इस पूरे को उधर भेज दिया जीरो के डिवाइड में, तो ये ख़त्म हो जाएगा,
तो क्या बचेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो। तो इन क्वेश्चनों में इम्पोर्टेंट क्या है कि एक बार अवकलन करने के बाद अगर थोड़ा सा सोच लिया तो डायरेक्टली आप आंसर पे पहुंच सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका बताया उस तरीके से करने पड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया हो। इसको देखना, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। वाई बराबर क्या दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर समीकरण नंबर एक। सिंगल बार तो अवकलन कर देना डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी एक बार आंसर को देखते हुए कर लेना। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर समझ के, तो ये हो गया टू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का वापस से करेंगे तो अगली लाइन में कर दूंगा, जो गलती हुई है उसको लिख दिया। तो ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो और वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा। अब वही बात है इसमें भी, ये देखो क्या ये बिना अंडर रूट दिख रहा है इसमें आंसर में, बिना अंडर रूट है तो इसमें भी क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहा हूँ मैं, ये समीकरण दो है लेकिन दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर ये हो गया फोर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू यहाँ हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस वन माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दिया तो ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर फोर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये है समीकरण नंबर एक, तो समीकरण एक से मान रख देंगे यहाँ, तो ये दिखेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर फोर वाई। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब दूसरी बार अवकलन करेंगे तो ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, यहाँ से वापस से अवकलन किया तो एक बार अवकलन करके अंडर रूट हटाने के लिए वर्क किया, इसको उधर भेजा और फिर साइन इनवर्स एक्स की जगह मान रख दिया, दोबारा अवकलन किया तो ये हो गया। एक बार तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में फोर, और वाई का अवकलन कर दिया मैंने डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो पूरे में से डी वाई बटा डी एक्स का भाग भी जा रहा, बाद में देंगे भाग भाग, पहले तो अवकलन करेंगे। इसका अवकलन एक्स स्क्वायर समझ के किया तो ये हो गया टू डी वाई बटा डी एक्स, अब वापिस से डी वाई बटा डी एक्स का कर देंगे अवकलन, यहाँ लिख दिया, फिर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर ये तो बाहर है, इसका किया जीरो माइनस टू एक्स बराबर में फोर डी वाई बटे डी एक्स। अब सबके बाद डी वाई बटा डी एक्स है, ये तो कट गया, तो ये देखो टू डी वाई बटे डी एक्स का भाग दे दिया, ये सोच लेना भाग दे दिया तो ये टू कट जाएगा डी वाई बटा डी एक्स कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर इसका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा माइनस एक्स और ये डी वाई बटा डी एक्स एक बचेगा बराबर में कितना बचेगा, टू से भाग दे दिया तो टू बचेगा। अब इस साइड वाले टू को भी अंदर ले आओगे तो आंसर दिख जाएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इधर लिख लेते हैं, तो ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटा डी एक्स, टू को इधर ले आए तो माइनस टू बराबर में आ गया जीरो। ये आंसर है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इस तरीके से करोगे फटाफट हो जाएगा।
और दूसरे तरीके से करके देख लेना होता है या नहीं होता है। इसको देखना आप, वाई बराबर दे रखा है साइन साइन एक्स, समीकरण नंबर एक। एक बार अवकलन कर दिया इसका x के सापेक्ष, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स समझ के अवकलन करेंगे तो ये हो जाता है कॉस एक्स। लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है तो उसको वापस लिख दिया साइन एक्स। इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस साइन एक्स और साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स। अब इसको समीकरण नंबर दो यहीं से वापस से दोबारा देखेंगे, दोबारा अवकलन कर दिया क्योंकि इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, इधर उधर ले जाना ही नहीं है, साइन को दे रखें, दो बार अवकलन भी है। दोबारा अवकलन किया तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, दोबारा अवकलन ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक बार, सेकंड का अवकलन इस बार सेकंड वाले को छोड़ दिया, फर्स्ट वाले का अवकलन। अब आंसर जो लाना है उस पर ध्यान रखना। तो यहाँ से हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉस साइन एक्स, और कॉस का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। ऐसे इधर कॉस एक्स, इसको कॉस एक्स समझ के किया तो ये हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स। लेकिन गलती है, जिसको x बोला है वो x नहीं है, उसको वापस करेंगे। एक स्टेप और लिखे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स साइन साइन एक्स, और इस साइन का भी क्या होगा कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गया अपन समीकरण नंबर तीन तक। अब पहला तरीका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसमें डी वाई बटा डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और वाई का समीकरण एक दो तीन से मान रख देंगे और फिर उसकी कैलकुलेशन करके जीरो ले आएंगे। या फिर देखो ये जो है ये समीकरण एक है, तो यहाँ समीकरण एक से मान रख दिया और देखो अब मान रखेंगे जो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस साइन एक्स कॉस साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह क्या रख देंगे वाई। ये तो आ चुका, अब क्या करेंगे इसकी जगह वैल्यू रखेंगे समीकरण दो से, इसकी वैल्यू रखिए समीकरण दो से। तो समीकरण दो से इसकी वैल्यू क्या होगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस साइन एक्स, और इसकी वैल्यू आएगी डी वाई बटा डी एक्स डिवाइड में कॉस एक्स माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स तो था ही। ये सब करने के बाद अब क्या करना है, साइन बटा कॉस को क्या लिख सकते हो टेन लिख सकते हैं, तो इसकी जगह टेन लिख दिया, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स। सबको एक तरफ ले जाओ, जो आएगा वो आंसर है। सबको एक तरफ लिया डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में क्या आया जीरो। यही है इस क्वेश्चन का आंसर है।